हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 3rd का वीडियो नंबर 17। तो बेटे ये तीसरी यूनिट का 17वां वीडियो है, और इससे पहले 16 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 3rd के हर एक वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे आयनन विभव में आवर्तिता, कि आयनन विभव किस प्रकार बदलता है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, या किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव किस प्रकार बदलता है, और इसके अपवाद कौन कौन से हैं, इसके एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और बिल्कुल ध्यान से समझना है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखा करो कि जब भी आप किसी यूनिट को देखते हो, किसी चैप्टर को करते हो, तो आपको प्लेलिस्ट के अनुसार ही हमेशा एक डेफिनेट सीक्वेंस में पढ़ाई करनी चाहिए। आप प्लेलिस्ट में जाओ और एक एक वीडियो को बारी बारी से देखो, जब ही आप पूरे चैप्टर को, पूरे यूनिट को समझ पाओगे। और यदि आप इस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मान लो हमारे पास आज का टॉपिक है आयनन विभव में आवर्तिता। अब आयनन विभव में आवर्तिता तो तब आपके समझ में आएगी जब आपको पता होगा आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और यदि ये नहीं पता तो ये भी नहीं पता चलने का आपको। और आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में तब पता चलेगा जब आपको पता होगा आयनन विभव किसे कहते हैं, तो वो उससे भी पहली वीडियो में है। तो मतलब कहने की बात ये है कि आपको हर एक चैप्टर को एक निश्चित क्रम में पढ़ना है, और वो निश्चित क्रम कहाँ है, प्लेलिस्ट में है। तो प्लेलिस्ट में जाओ और एक एक करके आपको वीडियो देखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप वीडियो को देखते हो तो उसका प्लेबैक स्पीड आपको बढ़ा लेना चाहिए, जितना आप एडजस्ट कर सकते हो। जितना हाई स्पीड पर आप वीडियो को देख सकते हो उतना हाई स्पीड पर आपको देखना चाहिए। यदि स्पीड आपको सही लगता है तो इसी स्पीड पर देखते रहो, कोई बात नहीं है। और यदि स्पीड बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, स्पीड को आप अपने अनुसार व्यवस्थित कर लिया करो जरूर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आयनन विभव में आवर्तिता। देखो बेटे, आवर्तिता का मतलब पता क्या होता है? आवर्तिता का मतलब जब कोई गुण आवर्त में और वर्ग में बदलता है ना, एक निश्चित क्रम में बदलता है, तो किसी भी गुण के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर एक निश्चित क्रम में बदलने को हम कहते हैं आवर्तिता। तो यहाँ लिखा हुआ है आयनन विभव में आवर्तिता, कि आयनन विभव किस प्रकार बदलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम आवर्त में बात करते हैं। चलो यहाँ हेडिंग लिखता हूँ, एक नंबर एक करके हेडिंग लिखते हैं, आवर्त, आवर्त में आवर्तिता। आवर्त में आवर्तिता की बात करते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव किस प्रकार बदलता है। हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दिया था कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव किस प्रकार बदलता है। आप यदि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे ना ऐसे, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को निकालना मुश्किल होता रहता है, मुश्किल हो जाता है बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना। और जब बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है तो मैं कहूंगा कि बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही तो आप आयनन विभव कहते हो। तो इसका मतलब साफ है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। क्या होता है? आयनन विभव बढ़ता है। ये चीज आपको दिमाग में घुसानी पड़ेगी। तो मैं यहां लिखता हूं किसी, आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो, किसी
आवर्त में, किसी आवर्त में बाएं से, किसी आवर्त में बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अतः बाहरी, अतः बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। नाभिकीय आकर्षण कह दो या नाभिकीय आकर्षण बल कह दो, एक ही बात है। नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं, चलो, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता जिसके कारण, चलो यहाँ कोमा लगा देते हैं, जिसके कारण आयनन विभव बढ़ता है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आयनन विभव तो बढ़ेगा ही, जब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स पर आकर्षण बल बढ़ रहा है, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण। तो आपको पता होना चाहिए कि आवर्त में बाएं से दाएं जब आप चलोगे तो आयनन विभव क्या होगा, आयनन विभव बढ़ेगा, ध्यान रखोगे ना। अब यहाँ जो है, ये बात तो सीखनी बहुत आसान है। जो क्वेश्चन आता है ना पेपर में क्वेश्चन आता है अपवाद का, एक्सेप्शंस का, तो हमें अपवाद समझने हैं ध्यान से, बस इस चीज पर फोकस करो, अपवाद पर, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही आता है। जैसे मैं आपको पहला अपवाद बताता हूँ ए पॉइंट से, कि यदि आप वर्ग संख्या दो के तत्वों को देखोगे ना, मान लो मैं कहूँ कि यहाँ दूसरा वर्ग है और यहाँ तीसरा वर्ग है, तीसरा कह दो या तेरहवा कह दो, एक ही बात है, बीच में तो डी ब्लॉक तत्व है, उनकी बात हम नहीं कर रहे। तो जब अभी हमने पढ़ा है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो आयनन विभव बढ़ेगा, ऐसा ही तो पढ़ा है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है, ऐसा पढ़ा है हमने अभी। पर फिर भी दूसरे वर्ग के तत्वों का आयनन विभव अधिक होता है तीसरे वर्ग के तत्वों के मुकाबले, बस जब इधर को जाने से आयनन विभव बढ़ता है तो इनका ज्यादा होना चाहिए, इनका कम, पर है इनका ज्यादा और इनका कम है, क्यों है, नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है, बस इसी चीज को तो समझना है हमें। मतलब एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर सेटर होता है, वो सीधे साधे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, वो क्वेश्चन घुमा के ही पूछता है, वो चेक करता है कि बच्चे ने समझ भी रखा है या नहीं, या रट ही रखा है बस। तो देखो, अपवाद की बात करते हैं हम, कि अपवाद में मैंने अभी आपको बताया कि वर्ग वर्ग दो के तत्वों का आयनन विभव, वर्ग दो के तत्वों का आयनन विभव, और प्रथम आयनन विभव की बात हम कर रहे हैं, प्रथम आयनन विभव की लिख देता हूं IE1, यही तो होता है प्रथम आयनन विभव, या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो वर्ग दो के तत्वों का आयनन विभव वर्ग तीन, या ब्रैकेट में 13 लिख देता हूं, कभी कंफ्यूजन हो जाए, तीन में आप सीधा डी ब्लॉक में चले जाओ, वर्ग दो के तत्वों का आयनन विभव यानी प्रथम आयनन विभव वर्ग तीन अर्थात 13 के तत्वों से अधिक होता है, ये एक अपवाद है, अधिक होता है, होना चाहिए था कम पर है अधिक। अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि सर क्यों है अधिक, ठीक है, क्यों है अधिक, इसका कारण पता क्या है, क्योंकि वर्ग दो के तत्वों में, वर्ग दो के तत्वों में NH2, देखो जरा NH2 S उपकोष में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
एस उपकोष में अधिकतम आ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? एस उपकोष में अधिकतम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 ही इलेक्ट्रॉन मैंने यहां बना दिए हैं। देखो NH2, क्योंकि वर्ग 2 के तत्वों में NH2, ब्रैकेट में लिखता हूं अर्धपूर्ण, ऐसे भी तो लिख सकते हो अर्धपूर्ण को, ठीक है, NH2 अर्थात अर्धपूर्ण, ब्रैकेट में स्थाई भी लिख दूं, आधे भरे हुए उपकोष, अर्धपूर्ण कहां है, तो पूर्ण ही है, एस में 2 हैं, जब एस में 2 हैं तो पूरा भरा हुआ है, ये तो कैसा है, पूरा भरा हुआ है भाई, एस उपकोष में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो क्योंकि वर्ग 2 के तत्वों में NH2, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं ब्रैकेट में पूर्ण, यानी पूरा भरा हुआ, पूर्ण उपकोष है ना, पूर्ण है तो स्थाई है, पूर्ण है तो स्थाई है, NH2 यानी पूर्ण अर्थात स्थाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए दूसरे वर्ग के तत्वों का आयनन विभव अधिक है 13वें वर्ग के तत्वों के मुकाबले, ठीक है। चलो अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपके, एग्जाम्पल लगाते हैं हम, जैसे बीई है ना, दूसरे वर्ग का तत्व है बीई, बीई से ही तो स्टार्ट होता है दूसरा वर्ग, बीई एम जी सी ए एस आर बी ए आर ए, यही तो आता है इसमें, तो बीई का जो प्रथम आयनन विभव होगा ना, बीई की IE1 लिख दो, चलो प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन विभव या प्रथम आयनन एंथैल्पी, बीई की प्रथम आयनन एंथैल्पी बी से अधिक होती है, ये बोरोन है 13वें वर्ग का, देखो इस चीज को समझ लो ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कारण बताओ, बीई की प्रथम आयनन ऊर्जा बी से अधिक होती है क्यों, जबकि होनी चाहिए इसकी अधिक, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव या आयनन ऊर्जा बढ़ती है, तो इसका कारण पता क्या है, यदि आप बीई का परमाणु क्रमांक देखते हो तो बीई के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो ये बनेगा 1s2 2s2, बन गया। अब मुझे एक बात बताओ कि एस है, एस उपकोष है, एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पूरा भरा हुआ है, और इसे कह रहा हूं मैं, इसे देखो बाहरी कक्षा का एस उपकोष पूरा भरा हुआ है, और जब बाहरी कक्षा का एस उपकोष पूरा भरा हुआ है तो पूरा भरा हुआ उपकोष ज्यादा स्थाई होता है, और ज्यादा स्थाई होता है तो ज्यादा स्थाई है तो इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाएगा या नहीं, और इलेक्ट्रॉन निकलना यदि इसमें से मुश्किल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, जभी तो हम कह रहे हैं कि बीई का प्रथम आयनन ऊर्जा ज्यादा है या प्रथम आयनन विभव ज्यादा है, अधिक है। और दूसरा क्या है, बोरोन, यदि आप बोरोन की बात करते हो तो बोरोन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, कोमा लगा के लिख देते हैं, बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 और 2p1, पी में कितने होते हैं कक्षक, 3, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, ना तो पूरा भरा हुआ है, यदि आप इस आखिरी उपकोष की बात करते हो ना तो पूरा भरा हुआ है और ना तो आधा भरा हुआ है, तो जब पूरा भरा हुआ आधा भरा हुआ दोनों में से कोई भी नहीं है तो अस्थाई तो होगा ही, अनस्टेबल तो होगा ही, अनस्टेबल होगा तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, जबकि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ स्थायी विन्यास है पूरा भरा होने के कारण, और यहाँ अपूर्ण होने के कारण, ये अपूर्ण है ना, अपूर्ण है, ना तो पूरा भरा हुआ है ना तो आधा भरा हुआ है, तो ये तो अस्थायी है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है, इसलिए जो वर्ग 2 के तत्व हैं जैसे बीई, उनका आयनन विभव वर्ग 13 के तत्वों से अधिक होता है, क्योंकि यहाँ उपकोष क्या है, क्योंकि वर्ग 2 के तत्वों में NH2 यानी पूर्ण यानी स्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जबकि उनमें नहीं होता है। अच्छा एक और एग्जाम्पल लगाओ, चलो अच्छा एक और एग्जाम्पल लगाते हैं, जैसे दूसरे वर्ग में Mg है, मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की प्रथम आयनन ऊर्जा
एल्यूमिनियम से, 13वें वर्ग में एल्यूमिनियम है, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम ही तो आता है 13वें वर्ग में, एल्यूमिनियम से अधिक होती है। ये भी क्वेश्चन आएगा पेपर में, ध्यान रखना। पेपर में क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि कारण बताओ, कारण बताओ, मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव एल्यूमिनियम से अधिक होता है, इसका कारण बताओ क्यों होता है। तो आप बताओगे कि मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, आप बताओगे मैग्नीशियम के पास क्या होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नीचे लिख देता हूं 12। और जब 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप बहु नियम से लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, देखो 2, 2 4, 6, 10 और 2 12। अब आप इस s को देख लो, s में एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, जब ये पूरा भरा हुआ है तो स्थाई होगा, और स्थाई होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से मुश्किल हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो mg का आयनन विभव तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी तो हम कहते हैं आयनन विभव। अब यदि एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 13 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, देखो जरा 2, 2 4, 6, 10 और 2 12 और 1 13। इस पी को देख लो, पी के पास कितने कक्षक होते हैं, 3, और इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, ये तो अपूर्ण है, ना तो ये पूरा भरा हुआ है और ना तो ये आधा भरा हुआ है, ये अपूर्ण है। यदि ये अपूर्ण है, हालांकि आधे भरे हुए को भी आप अपूर्ण कह सकते हो, पर मैंने आपको सिखा रखा है कि सबसे ज्यादा उपकोष स्थाई वो होगा जो पूरा भरा हुआ होगा, उससे कम स्थाई होगा आधा भरा हुआ, और जो ना तो पूरा है ना तो आधा है वो बिल्कुल भी स्थाई नहीं होगा, वो अस्थाई होगा, ठीक है, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ आपको लिखना है कि मैग्नीशियम में पूरा भरा हुआ 3s2 उपकोष पाया जाता है जो स्थाई है, क्या है, जो स्थाई है, जैसे यहाँ लिखा है कि NS2। आप उत्तर में इस लाइन को भी लिख सकते हो कि वर्ग 2 के तत्वों का आयनन विभव यानी प्रथम आयनन विभव वर्ग 13 के तत्वों से अधिक होता है, क्योंकि वर्ग 2 के तत्वों में NS2 यानी पूर्ण पूरा भरा हुआ यानी स्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल लगाते हैं, चलो बी, दूसरा एग्जाम्पल लगाते हैं कि जो वर्ग 15 के तत्व होते हैं ना, वर्ग 15 के तत्वों, वर्ग 15 के तत्वों का आयनन विभव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। वर्ग 15 के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व जिन्हें आप कहते हो, और वर्ग 16 के तत्व लिखूं आप मैं यहाँ, वर्ग 15 के तत्वों का आयनन विभव, वर्ग 16 के तत्व जिन्हें आप कहते हो ऑक्सीजन परिवार के तत्व, तो वर्ग 15 के तत्वों का आयनन विभव वर्ग 16 के तत्वों से अधिक होता है, मतलब ये भी अजीब बात है, जब भी तो अपवाद में लिखा है इसे भाई, जब आप इधर को जा रहे तो आयनन विभव बढ़ना चाहिए, तो वर्ग 15 से आप वर्ग 16 में जा रहे तो वर्ग 15 वालों का कम होना चाहिए आयनन विभव, वर्ग 16 वालों का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इधर को बढ़ता है आयनन विभव, पर हो रहा है इसका उल्टा ही, जैसे 2 और 3 में हुआ है, वर्ग 2 के बाद वर्ग 3 है, 3 का मतलब 13 है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी में उसे 13वां वर्ग कहा गया है, वर्ग 2 के बाद वर्ग 3 है, तो 2 से ज्यादा तो आयनन विभव तीसरे वालों का होना चाहिए, पर है दूसरे वर्ग के तत्वों का आयनन विभव ज्यादा, क्योंकि दूसरे वर्ग में NS2 व्यवस्था पाई जाती है, यानी बाहरी कक्षा का ऐसा उपकोष पूरा भरा होता है, पूर्ण होता है, जो ज्यादा स्थायी होता है। शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, वर्ग 15 के तत्वों का आयनन विभव वर्ग 16 के तत्वों से अधिक होता है, होना चाहिए कम पर होता है अधिक, ऐसा पता क्यों होता है, कारण लिखता हूं, चलो, क्योंकि क्योंकि वर्ग 15 के तत्वों में, वर्ग 15 के तत्वों में NP3, जरा ध्यान से देख लो NP3 को, N का मतलब तो समझते हो,
बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा के पी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, पी में पूरे 6 आते हैं, यदि 6 आते तो पूरा भरा होता, और 3 है तो आधा तो भरा हुआ है भाई, या तो कोई उपकोष पूरा भरा हुआ हो तब स्थाई होगा, और या तो वो आधा भरा हुआ हो तब भी तो स्थाई होगा, ठीक है। NP3 ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, अर्धपूर्ण, अर्धपूर्ण, और ब्रैकेट में लिख देता हूं स्थाई, भाई आधा भरा हुआ भी तो स्थाई होता है, क्योंकि वर्ग 15 के तत्वों में NP3 यानी बाहरी कक्षा के P में 3 इलेक्ट्रॉन अर्थात आधा भरा हुआ P उपकोष अर्थात स्थाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधा भरा हुआ और स्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है या होता है, ठीक है। इसे भी मैं एग्जाम्पल से ही आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल से समझेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आप ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो एक उदाहरण से समझते हैं हम, और ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है बहुत, ठीक है। यदि हम नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा की बात करते हैं ना, नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन विभव, तो नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कारण बताओ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है, या तो प्रथम आयनन विभव कहो तो होता है, प्रथम आयनन ऊर्जा कहो तो होती है, प्रथम आयनन एंथैल्पी कहो तो होती है, बात तो एक ही है ना, चाहे आयनन विभव कह दो या आयनन ऊर्जा कहो या आयनन एंथैल्पी हो भाई, ये 15वें वर्ग का है और ये ऑक्सीजन है 16वें वर्ग का, इसे कोई जीरो नहीं समझेगा, ऑक्सीजन है, जीरो नहीं है, ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन, 15वें वर्ग का 16वें वर्ग का, 15वें के बाद ही तो 16वां आएगा, जब 15वें के बाद 16वां आएगा तो इनका कम होना चाहिए, आयनन विभव इनका ज्यादा होना चाहिए, पर है नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन का कम है, क्यों है भाई, अपवाद में हमने इसीलिए तो रखा है, ये अपवाद वाले क्वेश्चन ही तो आते हैं एग्जाम में। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि 7 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे 1s2 2s2 2p3, यही तो होगा। अब आप इस p को देख लो, p में कितने कक्षक हैं, 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो मुझे ये बताओ कि ये अर्धपूर्ण है या नहीं है, आधा भरा हुआ है या नहीं है, p उपकोष तो आधा भरा हुआ है, और आधा भरा हुआ है तो स्थाई है, और स्थाई है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्यों निकालने देगा, नहीं निकालने देगा, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो तभी तो हम कहेंगे कि इसका आयनन विभव ज्यादा है, अधिक है। और यदि आप बात करते हो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 2p, क्या लिखूं, 2p4, p के पास होते हैं 3 कक्षक और इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 और 1 4, तो ये कैसा है, ना तो ये पूरा भरा हुआ है और ना तो ये आधा भरा हुआ है, अपूर्ण है, और अपूर्ण है तो मैं कहूंगा अस्थाई, और जब ये अस्थाई है तो ये तो कहेगा कि निकाल लो यार मेरा इलेक्ट्रॉन, थोड़ी सी ऊर्जा दो, इलेक्ट्रॉन एकदम बाहर निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा देने पर जब बाहर निकल रहा है तो तभी तो हम कह रहे हैं कि आयनन विभव कम है इसका, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से फायदा है ना इसे, इसके पास पी में कितने रह जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और यदि पी में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो स्थाई तो तभी होगा ये, इसलिए तो आसानी से देगा इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, फास्फोरस का आयनन विभव सल्फर, फास्फोरस की प्रथम आयनन ऊर्जा सल्फर से अधिक होती है, सल्फर से अधिक होती है। देखो भाई, फास्फोरस की प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन विभव सल्फर से अधिक होता है। अब यदि फास्फोरस की बात करो आप, फास्फोरस के पास होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन,
और 15 इलेक्ट्रॉन कैसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। देखो 15 हुए क्या, 2 2 4 6 10 और 2 12 और 3 15। पी को देखो, पी के पास 1 2 3 कक्षक हैं और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 3। तो कैसा है, अर्धपूर्ण है यानी आधा भरा हुआ है, और आधा भरा हुआ है तो कैसा होगा, स्थाई। और जब बाहरी उपकोष इसका एनपी उपकोष स्थाई है तो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देगा क्या, नहीं छोड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जब भी हम कहते हैं कि फास्फोरस का प्रथम आयनन विभव अधिक है। अब यदि सल्फर की बात करो तो सल्फर के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन 16, कितने होते हैं 16, 16 इलेक्ट्रॉन। को देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। देखो 16 हुए क्या, 2 2 4 6 10 और 2 12 और 4 16। अब इसे देख लो आप, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो पूरा भरा हुआ है ना तो आधा भरा हुआ है, मैं कहूंगा कि कैसा है, अपूर्ण है। और अपूर्ण है तो अस्थाई है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई है। और अस्थाई है तो ये तो कहेगा यार ले जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन, मुझे तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद ही शांति मिलेगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे मेरे पास, और 3 इलेक्ट्रॉन जब पी में बचेंगे तो मैं आधा भर जाऊंगा, और आधा उपकोष जब मेरे पास भरा हुआ होगा तो स्थायित्व तो तभी आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखनी है ये बात आपको। ये जो मैं अपवाद आपको बता रहा हूं, एक तो ए में तो मैंने बताया कि दूसरे वर्ग के तत्वों का आयनन विभव अधिक होता है तीसरे या 13वें वर्ग के मुकाबले, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके एग्जाम्पल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ग 15 के तत्वों के आयनन विभव वर्ग 16 के तत्वों से अधिक होते हैं, और दो एग्जाम्पल मैंने कराई, दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी, नंबर सी पर देखो जरा, ए और बी तो हमने कर लिया, सी, ये जो अक्रिय गैस होती है ना, अक्रिय गैसों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं ना, अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये पूर्ण होते हैं, पूर्ण कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, पूर्ण होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होने का मतलब पता क्या है, चलो यहां लिख देता हूं, चलो फुल स्टॉप लगाओ। इसका मतलब है कि इनकी कक्षा कोश व उपकोष पूर्ण, जो भी कक्षा होगी या जो भी उपकोष होगा वो पूरा भरा हुआ होगा। तो अक्रिय गैसों के विन्यास कैसे होते हैं, पूर्ण होते हैं, इसलिए इसलिए अक्रिय गैसें, समझ रही हो जरा, इसलिए अक्रिय गैसें अधिक अधिक क्या, बहुत अधिक लिखो, इसलिए अक्रिय गैसें बहुत अधिक स्थाई होती हैं, बहुत अधिक क्या होती हैं, स्थाई होती हैं, अतः अक्रिय गैसों के आयनन विभव, ध्यान से समझ लियो जरा इस बात को, अक्रिय गैसों के आयनन विभव किसी आवर्त में क्या होते हैं, सबसे अधिक, किसी आवर्त में सबसे अधिक होते हैं। मतलब आप यदि किसी भी आवर्त में जाओगे तो हर एक आवर्त में सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होगा, सबसे लास्ट वाले तत्व का, अक्रिय गैस का। अक्रिय गैस का मतलब वर्ग नंबर 18 या शून्य वर्ग। तो अक्रिय गैसों के आयनन विभव सबसे ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरे होते हैं, पूर्ण होते हैं, वहां आधे का भी चक्कर नहीं है कि उपकोष आधा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ उपकोष है, और जो पूरे भरे हुए उपकोष होते हैं सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। और उपकोष क्या, इनकी तो कक्षाएं, बाहरी कक्षा पूर्ण होती है,
अच्छा चलो एक बहुत काम की बात बताता हूँ आपको। चलो एक हेडिंग लिखते हैं नोट, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछता हूं सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया मैंने कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है, एक जनरल सा क्वेश्चन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की, एफ की। विद्युत ऋणात्मकता क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं पढ़ाऊंगा आगे इसी चैप्टर में। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। और यदि कोई पूछता है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की, ठीक है। और यदि किसी ने पूछा कि सबसे अधिक पूरी आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं हम, पूरी आवर्त सारणी, यदि कोई पूछता है सबसे अधिक आयनन विभव किस तत्व का होता है, यानी कि किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल है, तो सबसे ज्यादा आयनन विभव होता है हीलियम का, HE का, जो एक अक्रिय गैस है। हम पूरी आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, जितने भी तत्व प्रकृति में हैं उन सभी तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, क्वेश्चन आता है पेपर में। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की, Cl की। और सबसे अधिक आयनन विभव होता है हीलियम का, जो अक्रिय गैस है, ठीक है। चलो एक बात और बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया, एक हेडिंग लिखते हैं नोट। यदि आप प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करते हो ना, प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं जो डी ब्लॉक तत्वों की पहली श्रेणी है। चलो लिखता हूं, लिखते हुए ही समझेंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी का मतलब पता क्या है? इसका मतलब है स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक, Zn-30, ठीक है। स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक, ये होती है प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो यदि आप प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक जाओगे ना, तो इनकी तत्व जो जितने भी तत्व आएंगे, 10 तत्व आएंगे, इन 10 तत्वों की परमाणु त्रिज्या में ज्यादा परिवर्तन नहीं होने का, लगभग समान रहेगी। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक तत्वों की, चलो तत्वों का आकार लिखते हैं, आकार कह दो या त्रिज्या एक ही बात है, तत्वों का आकार लगभग कैसा रहता है, लगभग समान रहता है, लगभग समान रहता है। तत्वों के आकार में परिवर्तन तो होगा, साइज घटेगा, तो ये तो बात पक्की है, पर ज्यादा घटेगा नहीं, ज्यादा नहीं आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा घट गया साइज। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक के तत्वों का आकार लगभग समान रहता है, क्योंकि क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल या परिरक्षण प्रभाव भी आप कह सकते हो, नहीं परिरक्षण प्रभाव नहीं, आप कह सकते हो प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल व परिरक्षण प्रभाव दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं ना। नाभिकीय आकर्षण बल तो सोचता है कि मैं बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लूं, यानी साइज को घटा दूं, परमाणु के साइज को क्या कर दूं, घटा दूं। नाभिकीय आकर्षण बल तो ऐसा करना चाहता है, जबकि परिरक्षण प्रभाव चाहता है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से दूर हटा दिया जाए। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक के तत्वों का आकार लगभग समान रहता है, लगभग कहा है, हालांकि घटता है साइज पर इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल व परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे को संतुलित करते हैं, यानी
एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने के काम में लगे हुए होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। अतः आयनन विभव में बहुत कम, आयनन विभव में बहुत कम वृद्धि देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। इसका मतलब पता क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी प्रथम संक्रमण श्रेणी है, यानी स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक, यानी डी ब्लॉक तत्वों की पहली श्रेणी, उसमें आयनन विभव बहुत तेजी से क्यों नहीं बढ़ते हैं? आयनन विभव को बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए। जब हम ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक चले गए हैं, भाई ये ग्रुप नंबर 3 का तत्व है, 3 का, 13 का नहीं है, कभी आप 13 का सोचो, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 का तत्व है और ये है ग्रुप नंबर 12 का तत्व, क्योंकि वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्व जो आवर्त सारणी के बीच में रखे गए हैं ना, उन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक तत्व या संक्रमणीय तत्व। तो संक्रमणीय तत्वों की 4 श्रेणियां हैं और प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक के तत्व आते हैं। इनके आकार लगभग समान रहता है, आकार में आकार साइज घटेगा तो पक्की बात है, पर बहुत कम घटेगा, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल में परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अतः आयनन विभव में बहुत कम वृद्धि देखने को मिलती है। आयनन विभव बढ़ेगा पर वो जो ग्रोथ होगी वो उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। क्यों नहीं होती वो उतनी ज्यादा? तो यह कारण आपको लिखना है, इसलिए ज्यादा वृद्धि नहीं होती है आयनन विभव में। तो इस तरह तो हमें समझना है आवर्त में आवर्तिता। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा फिर अगली बात करते हैं, अगली बात करो। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब नंबर 2 पर हम बात करेंगे आयनन विभव की, आयनन विभव की वर्ग में आवर्तिता, वर्ग में आवर्तिता। आवर्त में तो हमने देख लिया कि आयनन विभव किस प्रकार बदलता है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। अब हम देखेंगे वर्ग में। यदि आप किसी वर्ग में, वर्ग को समूह भी तो कहते हो आप, वर्ग कह दो या समूह कह दो या फिर आप ग्रुप भी कह सकते हो, तो किसी वर्ग में यदि ऊपर से नीचे आओगे तो आयनन विभव किस प्रकार बदलेगा? तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है कि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, और जब ऊपर से नीचे आने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो परमाणु का साइज बढ़ता है, या कह दो कि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और जब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो बाहरी कक्षा की नाभिक से दूरी बढ़ती है, और बाहरी कक्षा की नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल घटेगा, और नाभिकीय आकर्षण बल घटेगा तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को कम ऊर्जा देकर बाहर निकाला जा सकता है, यानी उनका आयनन विभव घट जाएगा। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव घटता है, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। तो यहां लिखा हुआ है आयनन विभव की वर्ग में आवर्तिता, तो यहां हम लिखेंगे किसी वर्ग में, मेरे साथ साथ लिखा करो आप भी, किसी वर्ग में ऊपर से, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या, ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। अतः परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, यानी परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ती है।
जिसके कारण बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है? भाई जब साइज बड़ा हो जाएगा, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चले जाएंगे, और जब नाभिक से दूर चले जाएंगे तो उनके ऊपर नाभिकीय आकर्षण बल क्या हो जाएगा? घटेगा। तो हम लिखेंगे घटता है। नाभिकीय आकर्षण बल घट गया है, और यदि नाभिकीय आकर्षण बल घटता है तो हम लिखेंगे अतः आयनन विभव। बताओ फिर, जब नाभिकीय आकर्षण घट गया है तो आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अतः आयनन विभव भी घटता है। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो आयनन विभव घटेगा। क्यों घटेगा? मैंने बता दिया आपको, क्योंकि साइज बढ़ेगा, कक्षाएं बढ़ेंगी तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटेगा, नाभिकीय आकर्षण घटेगा। इसका मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक उतनी मजबूती से नहीं पकड़ेगा, और जब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक उतनी मजबूती से नहीं पकड़ रहा है तो आप बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी देकर भी निकाल सकते हो बाहर, और जब थोड़ा सा एनर्जी देकर बाहर निकाल सकते हो तो तभी तो मैं कह रहा हूं कि आयनन विभव क्या हो रहा है? घट रहा है। पर इसका एक अपवाद ध्यान रखना आप, कोई कोई पेपर सेटर ऐसा होता है जो वर्ग में भी अपवाद पूछ लेता है, तो एक अपवाद तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ग 13 है ना, वर्ग नंबर 13, जिसे तीसरा वर्ग भी कहते हैं, तो वर्ग 13 में जो जी ए है ना, जी ए गैलियम कोमा एल्यूमिनियम से नीचे स्थित है, नीचे स्थित है। देखो थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, वर्ग 13 में जी ए एल्यूमिनियम से नीचे है, तो जब जी ए एल्यूमिनियम से नीचे स्थित है तो जी ए का आयनन विभव कम होना चाहिए एल्यूमिनियम से, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है। तो यहां लिखा है वर्ग 13 में गैलियम एल्यूमिनियम से नीचे स्थित है, परंतु फिर भी जीए का आयनन विभव परंतु फिर भी जीए का आयनन विभव यानी गैलियम का आयनन विभव किससे अधिक होता है? एल्यूमिनियम से अधिक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, वैसे तो बहुत कम चांस है पर आपको पक्का करके जाना है। भाई वर्ग 13 में गैलियम एल्यूमिनियम से नीचे स्थित है परंतु फिर भी गैलियम का आयनन विभव एल्यूमिनियम से अधिक होता है, होना चाहिए कम। जब आप सिखा रहे हो कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है तो ये नीचे रखा है तो इसका आयनन विभव एल्यूमिनियम से तो कम होना चाहिए, परंतु फिर भी गैलियम का आयनन विभव एल्यूमिनियम से अधिक होता है। क्योंकि बहुत छोटा सा कारण है, याद रखना है आपको इस कारण को, क्योंकि गैलियम में परिरक्षण प्रभाव, जो परिरक्षण प्रभाव हमने पढ़ा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट कह दो या परिरक्षण प्रभाव कह दो या आवरण प्रभाव कह दो, क्योंकि गैलियम में परिरक्षण प्रभाव सामान्य से कुछ कम होता है, और यदि आप एक निश्चित क्रम में वीडियोस को देखते हो तभी आपको पता होगा कि परिरक्षण प्रभाव का क्या मतलब है, और यदि आप कहीं से भी किसी भी वीडियो को देख लेते हो ना तो फिर आपको परिरक्षण प्रभाव का पता ही नहीं होगा। वैसे ज्यादातर बच्चे तो जानते होंगे परिरक्षण प्रभाव। गैलियम के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि गैलियम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है ना, उनसे अंदर वाली जो कक्षा है यानी सेकेंड लास्ट कक्षा,
थर्ड लास्ट कक्षा, फोर्थ लास्ट कक्षा, जो अंदर की कक्षाएं हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स पर उतना ज्यादा परिरक्षण प्रभाव नहीं लगाते हैं, यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ कम धकेलते हैं, और जब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ कम प्रतिकर्षित करते हैं, कम धकेलते हैं, नाभिक से ज्यादा दूर नहीं हटने देते हैं, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा काम करता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा काम करता है। और जब ज्यादा नाभिकीय आकर्षण बल लगेगा तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा मजबूती से बंधे होंगे, और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे आप कहते हो आयनन विभव। तो अधिक आयनन विभव की हमें आवश्यकता पड़ेगी, किस केस में? गैलियम के केस में, मतलब एल्यूमिनियम से नीचे रखा हुआ है गैलियम। जब आपने एल्यूमिनियम से नीचे गैलियम को रख दिया, जीए को रख दिया, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आयनन विभव घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है, तो इसका तो कम होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए, पर है इसका ज्यादा। ये अपवाद है, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसे याद रखना है आपको, कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। क्यों होता है? क्योंकि इसके आवरण प्रभाव इसमें जितना होना चाहिए उससे कम है आवरण प्रभाव। ठीक है, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीन शॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीन शॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि जो हमारा आयनन विभव होता है, उस आयनन विभव में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार बदलता है आयनन विभव, यानी किस प्रकार उसमें आवर्तीता हमें देखने को मिलती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर भी आपको पता चला होगा कि आवर्तीता कैसे देखने को मिलती है। आवर्तीता को समझना तो आसान है, पर इसके अपवादों को समझना थोड़ा मुश्किल है, और अपवाद जहां तक उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे। आवर्त में आवर्तीता के बहुत अपवाद हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, जो ए बी सी करके मैंने आपको समझाए हैं, उन्हें पक्के करके जाना है, बिल्कुल एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, देख लेना चाहे। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, और एक बात का ये ध्यान रखो कि आपके हैंड रिटन नोट्स सबसे अच्छे होते हैं, जो नोट्स आप अपने हाथ से लिखकर बनाते हो ना, वो बेस्ट होते हैं एकदम। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी किसी यूनिट को पढ़ते हो तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर ही पढ़ना चाहिए। प्लेलिस्ट में जाके तो देखो कितना भंडार भरा पड़ा है, कितना खजाना भरा पड़ा है प्लेलिस्ट में। ठीक है, और एक बात ये ध्यान रखो कि जब भी किसी वीडियो को देखते हो तो आप उसका प्लेबैक स्पीड अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया करो जरूर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।